Hello friends, welcome to my channel. So today's video is all about bottle art and you can also use it as candle holder. So without wasting the time, let's begin. सबसे पहले हम एक एम्प्टी ग्लास बॉटल लेंगे. यहाँ मैंने केचप की बॉटल को यूज़ किया है. बॉटल को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पेपर टेप का यूज़ कर रही हूँ. वाई पेपर टेप? बिकॉज इट इज़ ईजीली रिमूवेबल और ये निकालने के बाद पीछे ग्लू भी नहीं छोड़ती है. पेपर टेप की दो लेयर्स लगा देने के बाद इस बीच वाले पोर्शन में हम वाइट एक्रीलिक पेंट का यूज़ करेंगे. एक्रीलिक पेंट को करने के लिए मैंने यहाँ पर एक डैबिंग स्पॉन्ज का यूज़ किया है. दिस इज़ ऑल्सो अ DIY. इसके लिए आपको एक वेस्ट स्पंज चाहिए और इसे अपने स्क्वायर शेप में कट करके क्लोथिंग क्लिप की हेल्प से इस तरह से यूज़ करना है. वाइट पेंट में थोड़ा सा वाटर मिक्स करना है. वाटर को ज़्यादा मिक्स नहीं करना है क्योंकि अगर ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे तो पीछे बबल छोड़ेगा. इससे पहले मैं ग्लास बॉटल पर ब्रश की हेल्प से पेंट करती थी, बट ये बहुत अच्छी टेक्निक है क्योंकि इससे सब तरफ कलर इवनली स्प्रेड होता है और ऑल्सो ये बहुत अच्छी लुकिंग देता है. तो अब पेंट ड्राई हो गया है तो अब मैं टेप को रिमूव कर रही हूँ और रिमूव करने के बाद जो एक्सेस कलर बॉर्डर पर आ गया है उसे भी हम हटा देंगे और एक फाइन बॉर्डर बन जाएगी. अब यहाँ पर एक पिंकी शेड बनाने के लिए वाइट, रेड और येलो कलर को मिक्स करेंगे. बाहर आज बारिश हो रही है तो यहाँ प्रॉपर लाइटिंग नहीं है. मैं आपको थोड़ी देर बाद वीडियो में आगे शेड लाइटिंग में दिखाऊँगी. तो मैंने यहाँ इस तरह से कलर किया है और ऑल्सो मैंने स्क्वायर्स की जो बॉर्डर है वो zigzag रखी है. अब मैं यहाँ पर एक और शेड बना रही हूँ. उसमें मैंने येलो का प्रपोर्शन ज़्यादा रखा है और उसमें रेड मिक्स किया है. सिमिलरली इस कलर को भी हम zigzag बॉर्डर्स के साथ पेंट कर लेंगे. तो प्रॉपर लाइट में ये बॉटल इस तरह की लग रही है. ब्लैक एक्रीलिक पेंट और ब्रश की हेल्प से बीच वाले वाइट पोर्शन को 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे. अगर आपको ब्रश से बारीक लाइंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं. वैसे ये बॉटल सिंपल भी अच्छी लग रही है, लेकिन मैं यहाँ पर 4 डिफरेंट डिज़ाइंस बना रही हूँ. आप इसे चाहे तो मार्कर की हेल्प से भी बना सकते हैं और वरना आप इसे पेंट और ब्रश की हेल्प से भी बना सकते हैं. सेम बॉटल आर्ट आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी मिलेगी. मुझे इसका आइडिया पिंटरेस्ट से मिला था. ये मैंने पहले भी की हुई है, मगर पहले मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट अगेन. इस तरह से चारों लाइनों में हम डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस ड्रॉ कर लेंगे. तो अब ये हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार है एंड फाइनली इट इज़ लुकिंग लाइक दिस. अब आपको इसके ऊपर एक लेयर वार्निश की कर लेनी है. वैसे तो ये एक्रीलिक पेंट इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन वाटर लगने की वजह से मार्कर रिमूव हो सकता है. मैंने यहाँ पर ड्राई वीट स्ट्रॉज यूज़ की है. मेरे यहाँ पर ये इजीली अवेलेबल है. अगर ये नहीं आपके यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स और लीव्स को भी कलर करके यूज़ कर सकते हैं. आप इसे डायरेक्टली भी कलर में डिप कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से ब्रश की हेल्प से भी इसे कलर कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर बॉटल वाले कलर शेड्स ही यूज़ किए हैं. इस स्ट्रॉस को फाइनली बॉटल के अंदर प्लेस कर देना है. एक्चुअली ये वीट स्ट्रॉस कब से मेरे घर पर रखी हुई थी एंड देन आई थॉट कि इन्हें कहाँ रीयूज़ किया जा सकता है, और तभी ये बॉटल आर्ट का आइडिया मेरे दिमाग में आया. एंड सीरियसली विद द यूज़ ऑफ दिस स्ट्रॉस द लुकिंग ऑफ द बॉटल रियली एनहांस्ड एंड फाइनली द बॉटल इज़ लुकिंग रियली नाइस. सो द बॉटल इज़ रेडी एंड फाइनली इट इज़ लुकिंग लाइक दिस. कैन आइदर बी यूटिलाइज एज अ डेकोरेटिव पीस और इट कैन ऑल्सो यूज एज अ कैंडल होल्डर. और ऑल्सो आप 3 बॉटल का सेट्स भी बना सकते हैं. इसी तरह से आप एक बॉटल के टॉप पर, एक बॉटल के सेंटर में और एक बॉटल के बॉटम पर इस तरह के डिज़ाइन करके 3 बॉटल्स का सेट बना सकते हैं. सो आई रियली होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.
एंड ऑल्सो इफ़ यू ट्राई दिस DIY एट योर होम, प्लीज़ शेयर योर पिक्चर्स ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।